बर्फ की नदी हिमनद अत्यधिक ठंडे प्रदेशों अथवा ऊंचे पहाड़ों पर पानी की बजाय हिम की वर्षा हिमपात होती है। इस वर्षा में हिम धुनी हुई रुई की तरह गिरता है, किंतु जमीन पर गिरने के बाद दबाव के कारण सघन हो जाता है और इसका कुछ अंश कठोर बर्फ का रूप ले लेता है। हिम क्षेत्र से बर्फ नीचे की ओर ढाल के सहारे खिसकता रहता है। इस खिसकते हुए बर्फ को हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। नदियों की तरह हिमनद भी घाटियों से होकर बहता है, अर्थात हिमनद बर्फ की नदी है जिसका स्रोत हिम क्षेत्र है। हिमालय में अनेक हिमनद हैं, जिनमें सबसे बड़ा गंगोत्री है। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर है। खुम्बु हिमनद नेपाल के एवरेस्ट क्षेत्र में है। यह पर्वत की चढ़ाई का सबसे लोकप्रिय मार्ग है। वायुमंडल के बढ़ते तापमान के कारण हिमनदों के बर्फ पिघलने लगे हैं और इनकी लंबाई कम होती जा रही है। कश्मीर घाटी समुद्र तल से 1850 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतों से घिरी है। कश्मीर घाटी, जिसे झेलम घाटी भी कहते हैं, लगभग 135 किलोमीटर लंबी और 32 किलोमीटर चौड़ी इस पर्वत मध्य मैदान का निर्माण झेलम नदी के द्वारा हुआ है। लेकिन यह भी आश्चर्य की बात है कि पर्वतों के मध्य इतने बड़े मैदानी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ कभी एक झील थी। एक बार भूकंप के कारण पहाड़ में दरार पड़ने से झील का पानी झेलम नदी में बह निकला। उसी प्राचीन झील का अवशेष आज भी डल झील के रूप में मौजूद है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर इसी घाटी में डल झील के किनारे बसी है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व विख्यात कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों का एक प्रमुख केंद्र रहा है। भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की भारी संख्या कश्मीर देखने के लिए आती है। डल झील में तैरते नाव के घर, जिन्हें हाउस बोट कहते हैं, विशेष आकर्षण हैं और यह यहाँ के लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत भी है। कृषि के अलावा यहाँ कई प्रकार के उद्योग हैं, जैसे कालीन उद्योग, अखरोट की लकड़ी के फर्नीचर, बुनाई, कश्मीरी पश्मीना शॉल, केसर आदि। करेवा कश्मीर घाटी ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। इसका धरातल तस्तरीनुमा है। हजारों साल पहले यहाँ बहुत बड़ी झील थी, जिसमें चारों तरफ की पहाड़ियों से कई नदी नालों का पानी बहकर आता था। ये नदी नाले अपने साथ लाए अवसाद, मिट्टी, गाद, क्ले आदि को कई सालों तक झील में जमा करते रहे। पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया के कारण पिरपंजाल श्रेणी ऊपर उठने लगी, जिससे झील का पानी बाहर निकल गया और इस पहाड़ी कगारों पर सीढ़ीनुमा खेत बने, जो खेती के लिए काफ़ी उन्नत हैं। इसे करेवा कहते हैं। यहाँ की क्षेत्रीय भाषा में इसे वुद्रा भी कहते हैं। इस सीढ़ीदार भूमि पर बेशकीमती केसर या जाफरान की खेती होती है। केसर के फूल से वर्तिकाग्र को अलग किया जाता है तथा इसका उपयोग कई औषधियों के लिए तथा जायकेदार खाना बनाने के लिए मसाले के रूप में करते हैं। कश्मीरी केसर दुनिया भर में मशहूर है। लद्दाख शीत मरुस्थल का एक गांव। जम्मू और कश्मीर राज्य के पूर्वी भाग में एक शीत मरुस्थल लद्दाख स्थित है। यह थार की तरह गर्म मरुस्थल नहीं है, बल्कि शुष्क और ठंडा है। पथरीली जमीन और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच दूर दूर तक फैला बर्फ का सूखा मैदान है, जहां बारिश नाम मात्र की होती है। आइए लद्दाख निवासी कीम के गांव के बारे में जानें। कीम का गांव फे है। यह जास्कर घाटी में पेंजीला नदी के किनारे पहाड़ी ढाल पर 80 घरों का गाँव है। इस गांव में उपजाऊ भूमि पर ही पत्थर, गारे और ईंटों से बने छोटे छोटे घर मौजूद हैं। इन घरों को खंगपा के नाम से जाना जाता है। इनकी छतें सपाट होती हैं। सपाट छतों का उपयोग पशुओं का चारा जमा करने के लिए किया जाता है।
इस स्थान पर भौगोलिक परिस्थितियाँ इतनी कठोर हैं कि यहाँ पर लोग मिलजुल कर छोटे छोटे समूह में रहते हैं। कीम के गांव में लोग साल भर गर्म कपड़े पहनते हैं, जिसे गोंचा कहते हैं। यहाँ केवल जलवायु ही शुष्क नहीं है, बल्कि गांव में पानी की भी कमी है। खेती होती है, पर खेत छोटे छोटे हैं, क्योंकि ज़मीन पथरीली है और समतल भी नहीं है। ज़्यादातर लोग मटर, गोभी, आलू, गेहूं या बाजरा उगाते हैं, जो अधिकांशतः घर में उपयोग होता है, बाजार में नहीं बेचा जाता। ऐसी कृषि जिसमें केवल इतनी ही उपज होती हो जिससे घर की मूल ज़रूरतें पूरी हो सके, निर्वाह कृषि कहलाती है। लोगों के पास जानवर भी हैं। प्रमुख जानवर याक, डीमो, जो, जोमो, घोड़े, गधे तथा भेड़ बकरियां हैं। जो और जोमो गाय तथा याक के मिश्रित रूप हैं। डीमो याक का मादा रूप है। गर्मियों में कुछ परिवार गांव की भेड़ बकरियों को लेकर ऊंचे चारागाहों में चले जाते हैं। सर्दियों में ऊंचाई पर ठंड बढ़ जाती है तो वे पुनः गांव की तरफ लौट आते हैं। जानवरों के साथ मौसमी परिवर्तन के अनुसार होने वाले इस तरह के प्रवास को मौसमी प्रवास कहा जाता है। सर्दियों में जब कुछ खेती नहीं होती, तब भेड़ बकरियों की ऊन से महिलाएं वस्त्र बनाती हैं। ये लोग प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाकर जीते हैं तथा उपलब्ध किसी भी वस्तु को व्यर्थ नहीं जाने देते।